आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। रामगढ़ जिले के बुरकुंडा में आज एनआरसी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसकी शुरुआत बुरकुंडा के रामलीला रामनवमी मैदान में सभी दुर्गा वाहिनी से लेकर बजरंगी सेना शामिल हुई, जिसमें 200 फीट का दो तिरंगा बनाया गया, जिसमें रामगढ़ जिले के तमाम क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई रामनवमी मैदान से होते हुए बुरकुंडा बाजार थाना चौक स्थित ग्राउंड में पहुंची। वंदे मातरम गाना गीत का स्वर सुनने के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की गई। सबसे बड़ा तिरंगा हमारे बुरकुंडा से निकला, जो कि 200 फीट का है और दो झंडे निकले हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में जनसंख्या थी और यहाँ पर हम लोग एनआरसी और कैप का समर्थन करने आए हैं और यहाँ पर हिंदू भाइयों तथा और बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना समर्थन और योगदान दिया है और इस कार्यक्रम को हम आगे और भी लेके चलेंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे बेहतर कार्यक्रम हो सकती है? हाँ, हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये बेहतर कार्यक्रम हो सकता है। मैं भारतीय होने के नाते मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज किसी को भी ये नहीं बोला गया था कि आप अपने घर से आइए और सहयोग दीजिए। सब स्वेच्छा अनुसार आए और हमारे यहाँ जो तिरंगा यात्रा निकला इसमें अपनी अपनी सहयोग दिए। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ और मोदी जी का जो हम लोगों ने समर्थन दिया है। पूरे बुरकुंडा के लोग, रामगढ़ पतरातू, इवन पूरे रामगढ़ जिला से यहाँ लोग आए थे। कितने की संख्या में लोग थे और इसके लिए आप किसको शाबाश देंगे? पुलिस भारी बल संख्या में तैनात थी। वहीं पतरातू SDOP पतरातू, VDO पतरातू, CEO सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी शामिल थे। तिरंगा यात्रा में पूरे भव्य तरीके से भारतीयों ने देश प्रेम के लिए और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में इस पूरे बुरकुंडा की धरती पर आज एक साथ एकजुट होकर के अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य का बात है कि पूरे देश में पूरे राष्ट्र प्रेमी जाग चुके हैं और निष्क्रमित करने वाले राजनीति की राजनीति को समझ चुके हैं। अब देश बांटने वाली राजनीति पर नहीं चलेगा, अब देश प्रेमियों के हाथों से चलेगा। सीए के समर्थन में हजारों के हजार की संख्या में सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग सीए के समर्थन में उतरे हैं और हम देश के कट्टरों को आग को खोलने के लिए तैयार हैं, जो कुछ विशेष समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज सीए के समर्थन में हर वर्ग हर समुदाय एक साथ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट।